पकड़ी जाएगी। लंबी जिंदगी पाओ बेटा मेरे। कहीं जाना आप, क्या करना है? बड़ा सूट पाया जैसे अभिलीष साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यार आज है वो दिन जिसका सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आज का हम लोग थोड़ा स्पेशल होने जा रहे हैं, क्योंकि है आज है ईद का पहला दिन, ईद उल फितर का पहला दिन। खैर तो यार सबको इंतजार होता है कभी रमजान के बाद ईद आएगी। तो भाई अभी रेडी तो नहीं हुआ, ठीक है, नहा धो के बस अभी कपड़े चेंज करने हैं और अभी पढ़ते हैं पहले फजर की नमाज, फिर कपड़े चेंज करके फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ईद की नमाज जो है 6 बजे, और तकरीबन 5:30 में पहुंचना पड़ेगा UMT फील्ड्स यानी UMT ग्राउंड में, उधर होगी इंशाल्लाह ईद की नमाज 6 बजे। तो भाई कपड़े चेंज करते हैं, पहले फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर निकलेंगे ईद की नमाज के लिए। A few moments later. बूम, तो गाइज आपके भाई ने कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, अब बस चलते हैं भाई फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद, और आके उधर से चलेंगे भाई घर वालों को पिक करके जाएंगे सीधा UMT ईद की नमाज पढ़ने। 6 बजे नमाज और बस घंटा रह गया, ठीक है। और भाई जरूर आपने बताना माशाल्लाह आपका भाई कैसा लग रहा है, नया सूट पहन लिया हमने सती सवेरे। बाकी चलते हैं भाई नमाज पढ़ने। तीन तकबीरात जायद कही जाएंगी, उसमें अल्लाहु अकबर करके हाथों को बुलंद करेंगे और फाइनली। तो भाई नमाज पढ़ ली है, ठीक है। बाकी आप रश देख सकते हो, बड़ा ज्यादा रश था, आप लोग सारी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, और बस इधर से निकलते हैं भाई। बाकी मेरी तरफ से आप सब लोगों को भाई ईद मुबारक वंस अगेन। और भाई बड़ा मैं तो भाई मुझे पहली सब में बड़ी मुश्किल से जगह मिल गई थी, अब बस यार इधर से निकलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं कुछ मीठा, और उसके बाद निकलते हैं अली की तरफ। और भाई आपने इस व्लॉग को भाई अपना पूरा पूरा प्यार देना है। यार मेरी तरफ से आप सबको मेरे प्यारी फैमिली को ईद मुबारक वंस अगेन। हाय, इतना सुकून बैल मारता हुआ आ रहा बच्चा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद स्क्रीम ब्रो। बड़ा चिट्टा हो गया, पैसे लगाए हैं बेटा उसने। और हुण की करना भैन? हाँ दसो अली साहब, जाओ जल्द जुत्ती पा के आओ, जरा मेल छेल के आओ, जल्दी दौड़ के जाओ। आधा घंटा हो गया खड़े, तुहाडा कारी बड़ा मैं 5:30 बजे उठा भाई, तुहाडा कारी बड़ा लम्मा हो गया ही। यार एक और आप और एक ठंडा शामी बर्गर लगा दो। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझको अंडे वाला बर्गर। यार किस्सा तो बेचते आ रहे हैं। एक मिनट यार, सब बंद था। आप आगे से जा रहे हैं। A few moments later. अच्छा तो यार खाना शाना खा के आ गए, ठीक है। लिटरली यकीन करो कि भाई इतनी ज्यादा गर्मी, गर्मी नहीं है लेकिन भाई बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि पूरी रात हम रहे थे सैलून के अंदर, टाइम ही था लग रहा। और अभी सिर्फ फर्क फिर भी कोई नहीं पड़ा। हाँ फर्क फिर भी कोई नहीं पड़ा। और अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं, तो खैर भाई अभी थोड़ी देर के लिए सोते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद दोपहर के उठते हैं और फिर देखते हैं भाई आगे पूरा दिन करना क्या है। भाई मिलते हैं बाद में। पूछा मैंने कुछ यार, उठ गया हूँ भाई 4 घंटे सोने के बाद, लग ऐसे रहा भाई कि जैसे सिर्फ अभी 4 मिनट हुए हैं, और सुस्ती इतनी ज्यादा हुई है क्योंकि भाई बाहर बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है, गर्मी की वजह से ना कहीं बाहर जा सकते फिलहाल। अभी सिर्फ 2:00 और 4 घंटे सोने के बाद लग ऐसे रहा कि भाई जैसे सिर्फ 4-10 मिनट सोया हो। अब बस यार घर वाले उठा दिया भाई कच्ची नींदर ही, और कह रहे भाई सामान लेके आओ। अब चलते सामान लेने और देखते हैं क्या करना है। लेट्स गो। वन स्टिंग प्लीज, वन स्टिंग। व्हाट? ठंडी, चिल, कोल्ड भाई है। यार गर्मी की वजह से एक तो नींद बड़ी आ गई, ठीक है, मैं अब आ गया यार, यार स्टिक भी दे। नहीं लाल चाचू लाल भाई, धूप आप लोग देख सकते हो, ठीक है,
गया, बस इधर आ गया था भाई, बैठ कर एक ठंडी ठंडी बोतल पीते हैं, क्या पता थोड़ी बहुत होश आ जाए। वैसे भी ठीक है, मैंने बड़ी देर से छोड़ी है। भावे तुम चाचे को पूछ लो, माए की कभी बोतल पी रहे थे। चल जा काम कर जाके। ठीक है, अब उस बोतल पीते और सामान लेके आते हैं, बाकी फिर देखते हैं। भाई वगैरह ने पहले से मुर्गी वगैरह करके रखी है, लेकिन हमने एक करा लिया ताजी मुर्गी, वो देखो जीवा कर रहे हैं। A few moments later। हाँ तो भाई तुम्हारे कैसा है की सुरत हाल पेपर दी? पेपर दी भाई, पेपर पता ही कोई नहीं, पहले फाइन जमा कराना पड़ेगा। नहीं कराया तूने भाई? इस पे कोई फाइन हुआ? कितना हुआ? 3500। और भूख बड़ी ज्यादा लगी, सुबह की सिर्फ सवैया खाई है, उसके बाद बस ज्यादा नाश्ता किया और कुछ नहीं किया। खैर तो धूप आज बहुत ज्यादा थी, पहली थी जिसमें वही इतनी ज्यादा दूर थी, क्योंकि रमजान तो यार इतना भी ठंडा और बेहतरीन गुजरा है, और सारा का सारा रमजान की कसर आज भाई ईद वाले दिन निकल गया। अब अली फसा अपनी भूखों की तरफ उसको ले जाते हैं, बाहर से आया मैंने मुँह हाथ गिरा धो लिया, ठीक है जरा थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया हूँ। अच्छा भाई साथ आ गया चार गोश, साथ में खीरा और आ गए हमारे पास नान धनी और यार इनको बुलाते हैं, और सुबह को पहला काम करते हैं बाहर चलते हैं, कहीं पर जाते हैं फोटो शूट करते हैं और देखो क्या करते हैं। बाकी यार इसको मुका लूँ फिर मिलते हैं। नाइस आ गए हो, 29 दिनों की कैद कट गया है मेरा यार। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक, कैसे हैं? और कैसे गई आपकी कैद? अभी कितने लगा था? कैसी गई? फांडा सर सुबह के रही। अब कहीं जाना है? आज हम इनके साथ फोटो शूट करेंगे भाई, अगले जेल काट के आए हैं 30 दिन की। कहीं जाना है? अब क्या करना है? बड़ा सूट पाया जैसे अवली साहब। मजाक करो यार, ऐसे कभी नहीं किसी को कहते। खैर बाकी जेल जेल तो काट के आए हो, वो तो है ना। अच्छा जा रहा है कहीं के नहीं? देख लो मर्जी है यार, बताओ आप बताओ। सुबह से फिर स्टार्ट है काम अपना। सुबह से भाई ऑन वर्क आ जाना भाई जान ने, बाकी मैनेजमेंट रखी थी भाई ने पीछे अपनी। ये मैनेजर है मेरे जो कैमरा। सही कह रहे हो, चलते हैं कहीं थोड़ी बहुत तस्वीरें खींचते हैं और फिर भाई करता भी क्या कह रहे हैं कैसे? 2000 years later। यार इधर आए थे माना मोल, ठीक है भाई। एक तो उन्होंने रंडी रोड लगाया हुआ अपना यार, वो फैमिली डे वाला, और दूसरा एक है कि भाई साहब 25 मिनट रह गए अपना बंद होने में। यार यार हम लोग तो आए थे कि भाई कुछ अभी इनकी एक यकी है, ठीक है बाहर वो सामने कोई रोला शोला हुआ हुआ है, बाकी वो मुक्त है तो भाई हम भी निकल देंगे तो कुछ खाते हैं और चलते हैं घर। कैमरा मैन ये मैं ना अपने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर रहा हूँ, ठीक है ये बच्ची की जगह मिक्स कर रहा हूँ, ये मेरे बेटे अली ने पीना है, वो मेरा छोटे भाई अली ने पीना है, ठीक है तो मैं देखता हूँ मीठा हुआ कि नहीं। बेटा आपकी कुल्फी आई है मेरे हाथ में, पड़ो इधर इधर बाप। नहीं मजाक नहीं है, मजाक नहीं है इस तरह का। असल मेरी कुल्फी आ गई तो कुछ कर दी। ये कुल्फी है और कुछ नहीं है, जो आप समझ रहे वो नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे आप? बहुत मनहूस लग रहा है, कसम से बहुत मनहूस लग रहा है। दिमाग खराब हो जाएगा मैं। ओके।
ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਖਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਕੀ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਸਭ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਢ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮੁਕਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਬ ਬਸ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਗਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਈ ਬਾਕੀ ਬਈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਈ ਓਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਮਿਲਤੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਓਏ ਓਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਈ व्लॉग पूरा देखा तो भाई लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो मेरी भाई नई वीडियो आपको मिल जाएगी इस तरह आपका गुआचू जाएगा आपका भाई खैर तो यार बेल आइकन को दबा दो और ख्याल रखो अपना मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर तब तक के लिए ओके फिर